ट्रस्ट से जुड़ी हुई इस वक्त अयोध्या राम मंदिर के निर्माण को लेकर के ट्रस्ट से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर वो ये कि आरोपी होने की वजह से नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट में जगह नहीं दी गई है। ये बयान दिया गया है वीएसपी नेता की तरफ से। कहा यह गया है कि चूंकि विवादित ढांचा यानी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में आरोपी है नृत्य गोपाल दास और नृत्य गोपाल दास से मुलाकात के बाद में राजेंद्र सिंह जिन्होंने ये बात कही है, रामनवमी पर शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश सिंह फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश, अभी तक इस बात को लेकर के कयास आ रही थी कि नृत्य गोपाल दास को जगह मिल सकती है, पहले उनका नाम नहीं आया, फिर हंगामा हुआ, फिर ये बात आई कि नाम उनका आ सकता है, मगर अब वीएसपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब उनका नाम इसलिए नहीं क्योंकि वो आरोपी है। जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से जो ट्रस्ट का गठन हुआ उसमें जो 9 लोगों को मुख्यतः में शामिल किया गया तो इसको लेकर जो संतों में नाराजगी थी इसके बाद काफी विरोध शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं उसके विरोध को मामले में भी सिद्धू प्रसाद अब साफ कह दिया है कि आरोपी होने के कारण इन्हें जो है नामित ट्रस्ट में भी नहीं रखा गया है। लेकिन इशारा करते हुए जरूर कहा जा रहा है कि जो अन्य 6 लोगों को जो ट्रस्ट गठित हुए हैं एक जो 6 लोगों को शामिल करना है उसमें जरूर गोपाल दास जी को जगह दी जाएगी। इसको लेकर जल्द ही बैठक होगी, जो पहली बैठक होगी उसमें निर्णय भी हो सकता है। तो आज जो है विश्व परिषद के केंद्रीय जो मंत्री हैं राजेंद्र सिंह पंकज वो उनसे मुलाकात के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। उनसे मुलाकात काफी देर बंद कमरे में बातचीत के बाद राजेंद्र सिंह पंकज जब मुलाकात हुई उन्होंने साफ कहा कि आरोपी होने के कारण इनके पास इनको अभी ट्रस्ट में जगह नहीं दिया गया लेकिन आगे शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वही राम मंदिर निर्माण को लेकर भी उन्होंने साफ कह दिया कि आने वाले रामनवमी से ही राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। मगर सत्य प्रकाश, एक बयान ये कि उनको आरोपी की वजह से इस मेंबर में इस ट्रस्ट में जगह नहीं मिली मगर आगे उनको जगह दी जा सकती है। क्या इस बीच में इस पूरे मामले में विध्वंस मामले में कोई सुनवाई है जिस सुनवाई की बुनियाद पर कहा यह जा रहा है कि वो उससे बरी हो सकते हैं? जी नहीं, इस मामले में अभी इधर कोई सुनवाई नहीं है लेकिन जो ट्रस्ट गठन हुआ है जो 9 लोग नामित किए गए हैं उसके बाद अभी 6 लोगों को नामित किया जाना है। जो ट्रस्ट जो गठित हुआ है ये 6 लोगों को नामित करेगा, वो ऐसे लोगों को नामित करेगा जो राम मंदिर से जुड़े रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के जो तरफ से जो ट्रस्ट का गठन किया गया उसमें तो वो बाहर है लेकिन ट्रस्ट स्वतः अपने मर्जी से वो उसमें कुछ लोगों को शामिल किया जाना है तो उसमें जगह दी जाने की बात कही जा रही है। संक्षेप में सत्य प्रकाश, क्या औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट हो चुका है कि रामनवमी से निर्माण की शुरुआत कर दी जाएगी? औपचारिक रूप से तो अभी नहीं हुआ है लेकिन विश्व हिंदू परिषद के राजेंद्र सिंह पंकज ने साफ कहा है कि ट्रस्ट का गठन हो गया है, सब कुछ हो गया है, पहली बैठक प्रयागराज में कहीं ना कहीं मानी जा रही है। तो वही जो है मंदिर निर्माण का कार्य भी जो है लोग बता रहे हैं, लोगों से पहले भी मांग रही है कि शुभ घड़ी और अच्छे जो समय से शुरू किया जाए। तो कहीं ना कहीं रामनवमी पर्व आने वाला है तो उसको ही सही ठहराया जा रहा है, इसके लिए तैयारियां भी जल्द से शुरू हो जाएगी। शुक्रिया बहुत इन तमाम जानकारी के लिए सत्य प्रकाश। महाराज जी की जहाँ तक बातचीत है, महाराज जी इस आंदोलन के एक धुरी हैं और बहुत उतार चढ़ाव के बाद यहाँ तक आए हैं। इसी बीच में एक विक्षेप आ गया कि 92 की जो घटना हो गई और उस घटना के बाद में वो जो उनको ये मान लिया गया कि CBI का केस उन पर लग गया, क्रिमिनल केस लग गया, तो वो इस कारण से उनका नाम उसमें अभी नहीं आया है।